देश की सबसे बड़ी हॉट सीट वाराणसी से पीएम मोदी मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी के नॉमिनेशन को बीजेपी एक मेगा शो के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी भी दो दिन के दौरे पर काशी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के एक एक कार्यक्रम की तैयारी खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में हो रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी की एक टीम भी बनारस पहुंच गई है। मतलब ये कि अगले दो दिन काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावर शो की साक्षी बनने वाली है। एसपीजी की टीम आई हुई है, एसपीजी की टीम के साथ हम लोग ज्वाइंट रूप से जो है पूरे रास्ते की सुरक्षा का, उनके जो हवाई अड्डा की सुरक्षा है, जो उनका रोड शो का रास्ता है, सभी जगह हम लोग पर्याप्त व्यवस्था कर रखे हैं। प्रेशर पॉइंट्स में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। वहाँ अतिरिक्त बलों को क्यूआरटी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा एसटीएफ की यूनिट जो आर्म्ड यूनिट है, उसको भी जो आउटर सर्किल है उस आउटर सर्किल पर हम लोगों ने प्रतिनियुक्त कर रखा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने सारी तैयारी की। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के पावर शो का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है। पीएम मोदी सोमवार को बनारस पहुंचेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी का रोड शो है। रोड शो के जरिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। वाराणसी में ही सोमवार की रात बिताएंगे पीएम। मंगलवार को सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाएंगे पीएम। सुबह 10:15 पर काल भैरव के दर्शन करेंगे। 10:45 पर एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे पीएम। एनडीए नेताओं की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। सुबह 11:40 पर पीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 12:15 पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम। इसके बाद झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के नामांकन से पहले बीजेपी विपक्षी पार्टियों को अपनी ताकत दिखाना चाहती है, इसलिए बीजेपी ने रोड शो को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए जान लगा दी है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन का भी उसी प्रकार से इंतजार है जिस प्रकार से परिणाम का इंतजार होता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आना और नामांकन उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से करना, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोग मोदी जी को पीएम बनाने के लिए भारी मतदान कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी जी का स्वागत करते हुए, उनको विजय की अग्रिम बधाई देते हुए, रिकॉर्ड वोटों से जीत की पूरी उम्मीद हमें है कि इस बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा जितना बड़ा रिकॉर्ड आज तक देश के इतिहास में दूसरा कोई नहीं। आइए एक नजर डालते हैं पीएम के पावर शो के लिए बीजेपी के तैयारियों पर। मालवीय प्रतिमा से काशी विश्वनाथ धाम तक मिनी इंडिया की झलक पेश की जाएगी। तमाम राज्यों के लोग पारंपरिक पोशाक में पीएम का स्वागत करेंगे। रोड शो के लिए अलग अलग समाज और संगठन के लोग आमंत्रित किए गए हैं। रोड शो के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। अनेकता में एकता का संदेश देने की तैयारी कर रही है बीजेपी। रोड शो के दौरान शंखनाद, ढोल की थाप, नृत्य, संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। पूरे रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की जाएगी। बीजेपी ने पूरे बनारस में घूमकर लोगों को पीएम के रोड शो के लिए आमंत्रित किया है। शहर के अहम पॉइंट्स पर बूथ कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। बीजेपी के लिए वोट बैंक का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी माने जाते हैं, लिहाजा बीजेपी पीएम मोदी के नामांकन में अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का बरकरार रहना बीजेपी के लिए किसी चुनावी संजीवनी से कम नहीं है।